नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के लिए टेस्ट। तो इसमें हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, तो आज टेस्ट नंबर 5 है, ठीक है। तो इसके पहले टेस्ट 4 तक करा दिए गए हैं, तो उसको आप लोगों ने नहीं देखा जाकर देखिए उसको। टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत एग्जाम नजदीक आ चुका है, तो लगातार टेस्ट करते रहिए। जितना ज्यादा टेस्ट करेंगे उतना ही आपको एग्जाम में फायदा होगा, ठीक है। तो पैटर्न समझ जाएगा किस प्रकार के एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का वर्णन किया गया है? अब भाग का पता होना चाहिए कौन से भाग में क्या है। तो देखिए भाग 15 में क्या है, भाग 15 में निर्वाचन के लिए है, भाग 16 में है कुछ वर्गों के विशेष उपबंध के लिए है, भाग 17 में है राजभाषा के लिए, भाग 18 में इमरजेंसी के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, आपातकाल के उपबंध के लिए भाग हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, भाग 15 में है निर्वाचन, भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, भाग 17 में है राजभाषा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ऑप्शन ए है आंतरिक अशांति, ऑप्शन बी है सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन सी है बाहरी आक्रमण और ऑप्शन डी है युद्ध। तो उपयुक्त में से अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। आंतरिक अशांति को हटा दीजिए और बाकी सब पे लगा दीजिए, आंतरिक अशांति पे नहीं लगेगा। तो इसमें हो जाएगा आपका बी सी डी, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि आपात की वो दूसरा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में की जा सकती है? तो यह किया गया ऑप्शन ए 42 में, 42 संविधान संशोधन। तो क्या हुआ था कि 42 संविधान संशोधन 1976 में यह प्रावधान किया गया कि आपात की उद्घोषणा भारत या उसके किसी भाग के लिए किया जा सकता है, वो आंतरिक हो या बाहरी। क्वेश्चन नंबर 4, 1975 में घोषित तृतीय राष्ट्रीय आपात की घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था जब लगा था इमरजेंसी, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, कौन थे उस समय राष्ट्रपति? तो ये हो जाएंगे आपके फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो 1975 में घोषित आपात के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। उल्लेखनीय है कि यह आपातकाल बिना मंत्रिमंडल के परामर्श के घोषित किया गया था, जिसमें आगे चलकर 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति आपात की घोषणा तभी करेगा जब उसे मंत्रिमंडल द्वारा उसकी इसकी लिखित सूचना दी जाएगी, ठीक है। तो कौन से, 44वें संविधान संशोधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा कितने समय में दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित न होने पर स्वतः समाप्त हो जाती है, बताइए? तो ये हो जाएगा आपका 30 दिन, यानी एक महीने में 30 दिन में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा को वापस लेने के लिए संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक है, वापस लेने के लिए। और क्वेश्चन ऑप्शन 2 है, मतलब स्टेटमेंट, राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा को पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा कभी भी वापस ले सकता है। तो कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सही होगा, पहला कथन गलत है। पहला देखिए गलत क्यों है, कि राष्ट्रपति कभी भी पश्चातवर्ती उद्घोषणा के द्वारा आपात की उद्घोषणा से वापस ले सकता है, उसे ऐसा करने के लिए संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक नहीं होता है। लोकसभा को भी आपात की उद्घोषणा को वापस लेने का अधिकार दिया गया है, यदि लोकसभा साधारण बहुमत से उद्घोषणा को वापस लेने का संकल्प पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा को वापस लेने के लिए बाध्य होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, आपात के प्रवर्तन के दौरान संघ राज्य को निर्देश दे सकता है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से पालन करे, और दूसरा है संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, और तीसरा है संसद द्वारा बनाई गई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर 6 माह बाद समाप्त हो जाती है। तो कौन सा कथन सही है इसमें? तो इसमें हो जाएगा आपका तीनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संसद द्वारा एक बार अनुमोदित होने के बाद आपात की उद्घोषणा कितने समय तक लागू रहती है, कितने समय तक रहती है? तो ये हो जाएगा 6 माह, ऑप्शन सी हो जाएगा 6 माह, और इसको 6-6 माह करके इसको अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, तो लेकिन 6 माह तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है? 355, 356, 357, 358, कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 356, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 356। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह है आपका 358 और 359 दोनों में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों है। नेक्स्ट है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा प्रयोग की जाएंगी, और दूसरा है,
राष्ट्रपति संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में निहित शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है, हाई कोर्ट की शक्ति नहीं लेगा भाई। तो इसमें आप दूसरा वाला गलत कीजिए, पहला वाला सही कर दीजिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक, केवल एक कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लागू किया जा सकता है, तो यह किया जा सकता है 3 वर्ष तक, ऑप्शन डी हो जाएगा 3 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अब तक कितनी बार हो चुकी है, तो एक बार भी नहीं हुई है, 360 में है ये, 360 में, अनुच्छेद 360 में, लेकिन अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है, ठीक है, न लगे तो ये अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन सी समिति केंद्र राज्य भारत से संबंधित नहीं है, राजमन्नार, सरकारी आयोग, तारकुंडे या पुंछी आयोग, कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तारकुंडे। तो देखिए तारकुंडे समिति का संबंध चुनाव सुधार संबंधित है, ठीक है, और बाकी का केंद्र से है, तो किसको, राजमन्नार, सरकारिया और पुंछी आयोग केंद्र से है, बाकी तारकुंडे का चुनाव से है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस समिति ने यह अनुशंसा की कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिए, वेंकट चलैया समिति, सरकारिया आयोग, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, राजमन्नार समिति, कौन सा होगा, तो ये जगह ऑप्शन ए, वेंकट चलैया समिति। तो वेंकट चलैया समिति द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति के माध्यम से की जानी चाहिए। इस समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति तथा राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हो। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामोद्वार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो यह बलवंत राय मेहता, किस कौन से ईयर में हुआ था, तो देखिए पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने की सिफारिश करने के लिए 1957 में बलवंत राम मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्थानीय स्वशासन हेतु गांव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। तो कभी पूछेगा कितनी स्तरीय का, तो हो जाएगा 3 स्तरीय, ठीक है, 3 स्तरीय का सुझाव दिया था। और कब पहला पहला जो गांव था वो कौन सा गांव था, तो राजस्थान का था, नरोरा गांव था राजस्थान, 2 अक्टूबर को हुआ था और गांधी जी की जयंती पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, तो यह लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। 73वां संविधान संशोधन विधेयक प्रधानमंत्री पीबी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में संसद में लाया गया, जिसे लोकसभा एवं राज्यसभा ने क्रमशः 23 व 23 दिसंबर 1992 को पारित किया। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस पर विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान की और इस तरह 24 अप्रैल 1993 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। इसलिए प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया भी जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, 74वां संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया, 74वां नहीं, 73वां हुआ था, 74वां में तो नगर निगम के लिए था, ऑप्शन बी है। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है, तो यह कथन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ग्राम सभा में केवल एक ही गांव में शामिल हो सकता है, ये गलत है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत ग्राम सभा के कार्यों का निरीक्षण सब मूल्यांकन करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, गलत सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, दूसरा है राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, तीसरा है पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को है, और चौथा है पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, तो कौन सा कथन सही होगा, तो ऑप्शन सी जो है इसमें देखिए गलत है। क्या है कि पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं है, तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत इसलिए है कि संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 के तहत एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और आयोग पंचायतों में नगर पालिका के सभी निर्वाचकों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का तथा निर्वाचकों के संचालन का अधीक्षण निदेशक और नियंत्रक की शक्ति प्रदान की गई है। पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रदान विधानमंडल को है तथा पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन सी इसमें गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि यदि कोई नगर पालिका समय से पूर्व विघटित कर दी जाती है तो निर्वाचन पश्चात गठित की गई नगर पालिका कितनी अवधि के लिए कार्य करेगी, गठन के पश्चात 5 साल तक, 6 माह तक, शेष अवधि तक या उपित में से कोई नहीं, तो आपका यह हो जाएगा ऑप्शन सी, शेष अवधि तक। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए, 50, 33, 27 या 22, तो कितने हो गए, अभी तो बहुत शोर शराबा हुआ था, 33 के लिए, 33%।
क्वेश्चन नंबर 22 है, एक पंचायत में एक पंचायत के भंग होने के, फिर यहाँ पे डैश है, माह के कितने अंदर नया चुनाव कराने के कराया जाना चाहिए, बताइए कितने तक होना चाहिए, कब तक? तो यह हो जाएगा आपका 6 माह, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, और विघटित होने की दशा में इसकी विघटित होने में 6 माह के अंदर चुनाव करा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, आगे क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम है, राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या गृह मंत्री, तब उतना उपज हो जाए, राज्य के राज्यपाल ही बहुत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 से 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कितने विषयों का उल्लेख है, कितने विषयों का उल्लेख किया गया है, 18। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ था, नगर निगम पूछ रहा है, ठीक है, नगर निगम, तो यह हुआ था आपका मद्रास में, कब कब हुआ था, तो 1687 से 1688 में भारत का पहला नगर निगम मद्रास स्थापित हुआ, तब इसके बाद 1726 में बंबई को बनाया गया और बंबई कलकत्ता में नगर बनाए गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण दिया गया, 96 संविधान संशोधन, 97, 98 या 99, तो ये हो जाएगा 97 संविधान संशोधन। तो संसद ने दिसंबर 2011 में देश में सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित 97 संविधान संशोधन पारित किया था, यह 15 फरवरी 2012 से लागू हुआ था। संविधान में परिवर्तन के तहत सहकारिता को संरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन किया गया और उनसे संबंधित अनुच्छेद 43(b) और भाग 9(b) में को सम्मिलित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किस समिति ने अनुशंसा की थी कि हर राज्य में एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, किसने किया था, पीके थुंगन ने किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा, पीके थुंगन। तो पीके थुंगन का समय क्या है, 1988 में गठित पीके थुंगन समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने हेतु उन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की। इस समिति के सुझाव के आधार पर 1989 में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, परंतु राज्यसभा में बहुमत न होने की वजह से यह विधेयक पारित नहीं हो सका। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, नेक्स्ट है 28, संविधान का कौन सा भाग सहकारी समितियों संबंधित है, सहकारी समिति से, तो यह हो जाएगा भाग 9 का ख। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो यह है ग्राम पंचायतों का निर्वाचन संपन्न कराना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 30 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरुआत कब हुआ था, तो यह हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। क्वेश्चन नंबर 31 है, राजस्थान के नागौर, देखिए नरोरा नहीं था, नागौर था, नागौर में सर्वप्रथम अनौपचारिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कब हुआ था, 2 अक्टूबर, ठीक है। चलिए ये पहला राज्य था यहाँ पर राजस्थान। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन किसके द्वारा या किनके द्वारा किया जा सकता है, तो यह किया जा सकता है संसद द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों की संख्या सर्वाधिक है, स्पेशल लीव पिटीशन, जनहित याचिका, पुनर्विचार याचिका या रिट याचिका, तो ये हो जाएगा आपका पुनर्विचार याचिका, ऑप्शन सी, सॉरी पुनर्विचार नहीं है, स्पेशल लीव पिटीशन है। क्या होता है ये, देखिए हाई कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट में भी कुल लंबित मामलों की तुलना में उनके निस्तारण की क्षमता कम है। सर्वोच्च न्यायालय के मामले में यह बोझ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत स्पेशल लीव पिटीशन के कारण बढ़ता है, जो कि किसी भी पक्ष को किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण से सीधे सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने की शक्ति प्रदान करता है। प्रारंभ में केवल असाधारण परिस्थितियों में प्रयोग की जाने वाली स्पेशल लीव पिटीशन अब सुप्रीम कोर्ट में नित्य प्रयोग की जाने वाली एक अपरिहार्य घटना हो गई है। इसके लगभग 85% मामले लंबित है, 85% बहुत ज्यादा मात्रा में है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 143 में है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 131 में, और कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108, उपराष्ट्रपति का राज्याभिषेक, राज्यसभा में पदेन सभापति होना अनुच्छेद 64, कौन सा कथन इसमें गलत होगा, तो इसमें देखिए ऑप्शन जो बी है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति 131 में नहीं है, ठीक है, तो किसमें, तो 127 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट हो जाएगा 35, राष्ट्रपति हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में हस्तांतरण निम्नलिखित किसके परामर्श से करेगा, मतलब कौन बताएगा उसको, किसके परामर्श से करना होगा उसको, राष्ट्रपति को,
ट्रांसफर, तो ये हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, ठीक है, सीजेआई से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च अपीली न्यायालय था, प्रीवी काउंसिल, इलाहाबाद हाई कोर्ट, संघीय न्यायालय, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा प्रीवी काउंसिल। तो ब्रिटिश शासन के दौरान जिसे आमतौर पर किंग ऑफ काउंसिल या प्रीवी काउंसिल कहा जाता था, भारत में अदालतों द्वारा पारित फैसले और आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए सर्वोच्च मंच था। इसने भारतीय और अंग्रेजी कानूनी प्रणाली के बीच पुल के रूप में कार्य किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 को कानून की व्याख्या करने और संघीय मामलों से संबंधित विवादों पर न्याय निर्णयन के लिए एक संघीय न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ना हुई हो, तो उस समय राष्ट्रपति पद कौन बनेगा? मैंने तीनों बता दिया, तो उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त में जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश वही होगा, तो ये हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव होना, विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका में के कार्यों में बाधा न पहुंचाना, सरकार के अन्य अंगों द्वारा न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करना, न्यायाधीश द्वारा बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य करना, तो कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो हो जाएगा आपका 2, 3, 4, 1 को काट दीजिए, पहले कर दीजिए और 2, 3, 4 सही हो जाएंगे। तो देखिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है मौलिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार या रिट संबंधी अधिकार, ऑप्शन दिया है 1, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4 या सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई, उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश में से इनमें से कौन थे? देखिए इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, पीएन भगवती थे, ठीक है। तो भारतीय न्यायिक व्यवस्था यानी PIL अर्थात जनहितवादी के वाद की शुरुआत पीएन भगवती के मुख्य न्यायाधीश काल में हुआ था। इसमें कोई भी व्यक्ति या संस्था जन सामाजिक हित से जुड़े मामलों को न्यायालय में उठाने के लिए अर्हता होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, सुप्रीम कोर्ट के यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, राष्ट्रपति करेगा और कौन करेगा? क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 233 में दिया गया और बी है, जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति पहले से ही संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में हो या कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, तो उपयुक्त कथन में से अधीनस्थ न्यायालय के विषय में कौन सा कथन सही होगा? कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो दोनों कथन सही होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 43 में है कि भारत में मोबाइल कोर्ट को किसके मानस पुत्र की संज्ञा प्रदान किया गया? तो यह किया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। तो भारत में मोबाइल कोर्ट को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानस पुत्र की संज्ञा किया जाता है। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुनहाना में देश की पहली मोबाइल अदालत यानी मोबाइल कोर्ट का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्काल मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन ने किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित ने न्यायालय और उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित गलत युग्मों की पहचान कीजिए, कोलकाता हाईकोर्ट, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार और केरल हाईकोर्ट, केरल और लक्षद्वीप, मुंबई हाईकोर्ट, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो कौन सा इसमें नहीं होगा? तो ये ऑप्शन सी जो है, मुंबई हाईकोर्ट, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक जो लिखा है ये गलत हो जाएगा। तो देखिए भारत में 6 हाईकोर्ट मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, केरल तथा पंजाब एवं हरियाणा ऐसे हाईकोर्ट हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों में है, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार को देखता है और केरल हाईकोर्ट केरल और लक्षद्वीप को, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को देखता है, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट अपना खुद का है, ठीक है, मुंबई हाईकोर्ट नहीं देखता है, यहाँ इसका अलग से है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए, गलत बताना है, वह भारत का नागरिक हो, वह राज्य क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो और या तो एक या एक से अधिक राज्यों के हाई कोर्ट में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या बी और सी दोनों गलत है, कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी, जो यहाँ पे 7 वर्ष दिया है, तो क्या होगा कि हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 214 के अनुच्छेद और 231 में दिया गया है। हाई कोर्ट का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 216 में किया गया है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश वही नियुक्त हो सकता है जो भारत का नागरिक हो,
भारत के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो अथवा एक या अधिक राज्यों में हाई कोर्ट में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। यहाँ पे क्या लिखा है, कम से कम 7 वर्ष तक, तो 10 वर्ष तक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी, तो यह कर दिया गया 15 संविधान संशोधन 1963। क्वेश्चन नंबर 47, किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय होगा, कौन सा अनुच्छेद होगा बताइए, 215, 216, 127 या 129, तो यह हो जाएगा 215। ठीक है, 215 के तहत हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना का उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट का गठन किया गया है, इसमें हाई कोर्ट का गठन, और अनुच्छेद 217 में क्या है, तो अनुच्छेद 217 में 127 है, 227 है, 127 में तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, और 129 में है सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आ गया इलेक्शन कमीशन, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। दूसरा कथन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा है संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इसमें से कौन सा कथन सही होगा, तो ये हो जाएगा आपका, तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचन की तिथि निर्धारित करना, राजनीतिक दलों को निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना, तो क्या कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के लिए किया जाता है, क्या करेगा कार्य, तो यह हो जाएगा तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी, तीनों कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या संसद, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, संघ लोक सेवा आयोग राज्यों को सलाह दे सकता है, संसद के आदेश पर, राज्यसभा के आदेश प्रस्ताव पर, राज्यपाल के अनुरोध पर या कभी नहीं, तो यह हो जाएगा राज्यपाल के अनुरोध पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से मेरिट पद्धति का प्रहरी माना गया है, संसद, सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी या केंद्रीय सतर्कता आयोग, कौन है, तो यह हो जाएगा यूपीएससी। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के निम्न में से कौन हटा सकता है, कौन हटाएगा, देखिए राज्यपाल नियुक्ति करता है, राज्यपाल नियुक्ति करता है लेकिन हटाएगा नहीं, हटाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों विचार कीजिए। इसका वर्णन 280 में है और ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है, इसका गठन संसद द्वारा किया जाता है, कौन सा कथन सही होगा, कौन सा कथन सही होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा एक और दो, दोनों हो जाएगा। ठीक है, और ये तीसरा वाला, इसका गठन संसद करता है, ये कथन गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे, प्रथम वित्त आयोग, देखिए इनको याद करिए, केसी नियोगी थे, 1951 में हुआ था गठन। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के संबंध में, स्थापना के लिए संविधान में निम्न में से कौन सा संशोधन किया गया था, तो यह संशोधन किया गया था 89वां संशोधन, 89 संशोधन कब हुआ था, 2003 में। क्वेश्चन नंबर 57 ने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के केंद्र सरकार ने के लेखों से संबंधित अपनी रिपोर्ट निम्न में से किसे देता है, संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा, लोक लेखा समिति, किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का नियत होता है, कौन सा कथन सही होगा, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कथन सही फिर सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है तो इसको सही करेंगे। कितने वर्ष का होता है फिर, तो देखिए इसको बारे में जानिए पहले कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 में इसका प्रदान किया गया है सीएजी के रूप में, और भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी भी होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तथा संविधान में इनके कार्यकाल के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जब तक सरकार रहती है तब तक इनकी नियुक्ति रहती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, नीति आयोग है एक संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय या इनमें से कोई नहीं, क्या है इसमें, इनमें से बताइए, तो ये हो जाएगा आपका गैर संवैधानिक निकाय। वर्ष 2014 में भारत के योजना आयोग को समाप्त कर उस स्थान पर एक नीति आयोग गठन किया गया, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री रहेंगे, जो भी प्रधानमंत्री रहे वही रहेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार, तो यह संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा किया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए,
मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो यह होता है 5 वर्ष और 65 वर्ष, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 62 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1964 में। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन निर्माण 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत हुआ था। यह देश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? नागरिकता संबंधी प्रावधान बताइए, याद होगा? कोई नहीं है, क्योंकि देखिए नागरिकता संबंधी प्रावधान 5 से 11 है, भाग दो में 5 से 11, ठीक है। चलिए इसको तो याद ही होगा कौन कौन से हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, कौन सा होगा? लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, विधि के समक्ष समता। तो कि विधि समक्ष समता सबको दे दिया जाएगा, लेकिन केवल नागरिकों को ये दोनों होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। ऐसे भी याद करना हो तो 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, 67, 60 कहाँ गया और 65 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कथनों विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत और अमेरिकी दोनों संविधान में संघीय राज्य व्यवस्था को अपनाया गया है। और दूसरा है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जबकि अमेरिकी में दोहरी नागरिकता का व्यवस्था है। पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, कोई भी कथन गलत नहीं है, दोनों कथन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 26 से 28 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 26 से नहीं है, 25 से होगा, 25 से 28 होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, 67 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रीट के द्वारा न्यायालय सार्वजनिक प्राधिकारियों से उनके कार्य और उसे रोक नकारने के संबंध में पूछताछ करता है? अधिकार परीक्षा, उत्पेक्षण, प्रतिषेध या उनमें से कोई नहीं? तो जाएगा इनमें से कोई नहीं, पूछताछ करने के लिए इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए इसके बारे में बता देता हूँ कि उपरोक्त सभी विकल्प गलत हैं, ठीक है। परमादेश रीट अंतर्गत न्यायालय सार्वजनिक प्राधिकारियों से उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछताछ करता है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और तथा हाई कोर्ट क्या करता है, 226 के अंतर्गत रीट जारी कर सकता है। और 5 प्रकार के रीट जारी होते हैं, जैसे कि पहला होता है बंदी प्रसिद्धिकरण, दूसरा होता है परमादेश। क्या होता है परमादेश? तो परमादेश में होता है कि यह न्यायालय की एक नियंत्रणात्मक व्यवस्था है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछताछ की जा सके। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ जारी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, अरे इसमें एक हो गया, फिर दो हो गया बंदी प्रसिद्धिकरण, परमादेश, तीसरा हो जाएगा प्रतिषेध, चौथा हो जाएगा उत्पेक्षण और पांचवा हो जाएगा अधिकार परीक्षा, को वारंटो। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, जिसका प्रशासन राज्य द्वारा होता है लेकिन स्थापना किसी न्यास के तहत हो, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, राज्य विधि पूर्णतः पोषित संस्थान या राज्य निधि द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थान? तो यह हो जाएगा आपका राज्य निधि से पूर्णतः पोषित संस्थान हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, 69 में है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों को सशस्त्र बलों पर लागू करने के संबंध में संसद की शक्ति, अनुच्छेद 33 में मार्शल लॉ, अनुच्छेद 35 में है मूल अधिकारों के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, कौन सा कथन गलत पूछा है ना? तो ये हो जाएगा आपका पहला कथन गलत हो जाएगा और दूसरा कथन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। तो ये गलत और ये सही होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, 70 में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रारंभ में मूल अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में थी, किस अनुच्छेद में थी? उपेद में से कोई नहीं है, कौन से अनुच्छेद में? तो वो था आपका देखिए भाग 3 में उल्लेखित 7 अधिकारों में संपत्ति का अधिकार था, अनुच्छेद 19 के 1 के 6 में तथा अनुच्छेद 31 में वर्णित था, उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। और 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था, तो उसको डाल दिया गया 300 के क में और इसमें कोई नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय मूल अधिकार,
मूल अधिकार की बात कर रहा है तो यह लिया गया आपका मूल अधिकार यूएसए से लिया गया, इसमें यूएसए तो है नहीं, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के विदेश में घूमने तथा वापस भारत आने के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो यह रखा गया अनुच्छेद 21 प्राण एवं देश स्वतंत्रता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 41 है कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 42 है काम की न्याय संगत और मानोचित दशाओं संबंधी उपबंध, अनुच्छेद 43 है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, अनुच्छेद 43 का ख है सहकारी समितियों की अभिवृद्धि। तो कौन सा कथन इसमें सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 43 के क में कह रहा है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में बात कर रहा है, जो कि 43 से कम में होता है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यह संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 4 के 36 से 51 के तक विस्तृत है। दूसरे में कह रहा है कि इसे भारतीय संविधान में आयरलैंड से संविधान से ग्रहण किया गया है। तो तीसरा है नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई गलत नहीं तो ऑप्शन डी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अनुच्छेद 43 का बी है सहकारी समितियों की अभिवृद्धि, 48 का ए है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, 39 का ए है सामान्य न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, और अनुच्छेद 47 है स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नशीली दवाओं मदिरा ड्रग्स के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध। कौन सा कथन होगा इसमें? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत हो जाएगा, तो इसको कर देंगे सही। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक को संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 49 में दिया है, ठीक है 48 के ए में नहीं है। 48 के ए में क्या है? तो 48 के ए में हो जाएगा आपका पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 76 है समान न्याय और गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित नीति निर्देशक तत्व तो अनुच्छेद 39 ए किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? कौन से संविधान में संशोधन में जोड़ा गया था? तो यह है 42वें संविधान संशोधन। उस समय कौन सा ईयर था? तो 1976 था, और प्रधानमंत्री उस समय कौन था? तो उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, ठीक है 1976। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि बिना सलाहकार बोर्ड की राय किस व्यक्ति को कितने समय तक निवारक निरोध तहत निरुद्ध किया जा सकता है, मतलब किसी को कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? तो 3 माह तक, ऑप्शन बी हो जाएगा 3 माह तक। क्वेश्चन नंबर 78 है सरकारी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संशोधन अधिनियम के तहत की गई? तो यह किया गया था 103। क्वेश्चन नंबर 79 है, क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पे है, संविधान में केंद्र राज्य संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो यह दिया गया है भाग 11 में, संविधान के केंद्र राज्य संबंधों का विवरण भाग 11 में दिया गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंध, अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध तथा 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में मिला लिया गया? तो यह है 42वें संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी ने मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 81 है समस्त भारत या इसके किसी भाग में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास होगा, कानून संसद ही बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है केंद्र और राज्यों के मध्य सामूहिक महत्व के विषयों की जांच एवं बहस के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो यह करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, 83 कह रहा है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है? तो ये है आपका वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वित्त आयोग। वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है 280 में। क्वेश्चन नंबर 84 है आनंदपुर शाही प्रस्ताव का संबंध किससे है? आनंदपुर शाही प्रस्ताव, तो ये हो जाएगा आपका केंद्र और राज्य से संबंध है। तो आनंदपुर शाही प्रस्ताव का संबंध
लेंडर राय समंदो से है। ये प्रस्ताव 1973 में अकाली दल पंजाब के आनंदपुर साहिब में हुई थी। इसमें कहा गया था कि केंद्र को मात्र रक्षा, विदेश, संबंध, संचार एवं मुद्रा के अतिरिक्त अन्य सभी विषय राज्यों को सौंप देने चाहिए एवं संविधान को वास्तविक रूप से संघीय बनाया जाना चाहिए और केंद्र में सभी राज्यों के लिए समान प्राधिकार और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, संबंधित राज्य कौन करता है, संसद या राज्यपाल? तो यह करता है संसद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संसद। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून लागू होंगे? तो यह लागू होंगे भारतीय क्षेत्र के आधार पर, विदेशों के मेरा रहे भारतीय नागरिकों पर, विश्व में कहीं भी भारतीय नागरिक की संपत्ति पर, उपयुक्त सभी, तो फिर सभी जगह, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87 है, प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो यह किया गया था मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी, तो 1966 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 88 है, यदि केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार द्वारा ऋण देने पर गारंटी देती है तो गारंटी किस पर भारित होगी? तो यह होगी आपका केंद्र की संचित नीति पर। क्वेश्चन नंबर 89, संविधान के किन अनुच्छेदों के बीच केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक अनुच्छेद संबंधों की व्याख्या की गई है? तो यह है 256 से 263, ऑप्शन नंबर बी। 90 है, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? समाजवादी पार्टी 1992 में हुआ था। 91 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका आम आदमी पार्टी। देखिए ये गलत है, आम आदमी पार्टी अब है। और इस समय कितने हैं? तो इस समय 7 ही हैं। आम आदमी पार्टी इसमें बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, सीपीएम को हटा दिया गया है ना, टीएमसी भी अभी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी। चलिए नेक्स्ट, इसको सर्च कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 92 है, किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए निम्न में से कौन सी दशा पूरी करनी होती है? तो यह कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करनी होती है, ऑप्शन नंबर ए। देश में सन 2019 में संपन्न हुए राष्ट्रीय आम चुनाव किस नंबर के चुनाव थे? 17वां था, ऑप्शन सी हो जाएगा 17वां। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, कौन सा कथन सत्य नहीं है इसमें, कौन सा कथन मतलब गलत है? तो ये हो जाएगा केवल ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कॉलेजियम, यही तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा गलत, कॉलेजियम से होता है ये जजों की नियुक्ति। अब यहाँ है कौन सा सुमेलित नहीं है, अनुच्छेद है, वाणी तो उपबंध दिए गए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए 153 में कह रहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति, 213 है राज्यपाल का अभिभाषण, 174 है अभी विधानसभा का विघटन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी जो है, संविधान में 213 में राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने सकती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा सही, ये गलत हो जाएगा, अध्यादेश यहाँ पे होता है। चलिए सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, भारतीय संविधान में सशस्त्र केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का रूप कनाडा के संविधान से लिया गया है और भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकता और राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद तीसरी अनुसूची में दिया गया है, उल्लेख तीसरी अनुसूची में। तो देखिए इसमें कौन सा कथन सत्य होगा, तो ऑप्शन जो होगा ए है वो सत्य है, भारतीय संविधान में सशस्त्र केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का रूप कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, वह मुख्यमंत्री व राज्य मंत्री के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, वह विधानसभा के सत्र को आहूत या अवसान करता है, वह अध्यादेश भी जारी करने का अधिकारिता रखता है, कौन सा कथन सत्य होगा, एक, एक या दोनों, तीनों या एक और तीन? तो ये हो जाएगा एक, दो, तीन, तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करने की अधिकारिता रखता है, कितने को रखता है, 1/6। 100 नंबर क्वेश्चन है, किसी संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 10 जोड़े गए थे, बाद में एक और जोड़ा गया तो हो गया टोटल 11। 101 है सुमेलित नहीं है,
52 में राष्ट्रपति के लिए बात कर रहा है, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति और 54 में राष्ट्रपति की पदावधि, 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। तो ऑप्शन सी इसमें गलत हो जाएगा, 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी उपबंध किया गया है। 102 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की विधानसभा के सभी सदस्य, दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्य, दिल्ली पुदुचेरी जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा के सभी सदस्य उपयुक्त सभी हो जाएंगे। तो कौन सा होगा, तो हो जाएगा दिल्ली पुदुचेरी जम्मू कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 103 है, राष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संविधान अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। तीसरा है, भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। तो कौन सा कथन सही होगा इसमें, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्न में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है। माता पिता अथवा अभिभावक अपने 8 से 14 वर्ष तक के आयु बच्चों को लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। 8 से 14 नहीं है, 6 से 14 होगा ना, 6 से 14, तो ये कथन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही कर देंगे। बाकी देखिए, भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें, सही है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों संस्थानों राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें, ये भी सही है, देश की रक्षा करे, आह्वान करने की जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करे, तो ऑप्शन डी भी सही जाएगा, तो ऑप्शन ए गलत है, तो इसको सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 105 है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने के लिए तभी अर्हता होगा जब वह, तो जब वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष, ठीक है, इसको हटा दीजिए, लाभ का पद धारण नहीं करना होता है। कौन सा कथन असत्य बताना है इसमें, असत्य, तो ये हो जाएगा आपका केवल 2 कथन असत्य, तो इसको सही कर देंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, एक राज्यपाल एक से ज्यादा राज्यों के राज्यपाल का पदभार ले सकता है, जब तक राज्यपाल के उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर लिया जाता तब तक वह अपने कार्य करता रहेगा और राज्यपाल का कार्यकाल पूर्ण होने पर वह पुनर्नियुक्त होने नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी को सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 107 है, किसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में तभी नियुक्त किया जा सकता है जब वह 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या आयु के निर्धारण कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, किसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है, तो महान्यायवादी का करता है, लेखा परीक्षक करता है, राजभाषा का और महाधिवक्ता का नहीं। तो देखिए कि महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, शेष पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, महाधिवक्ता क्या राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1858 संबंधित नहीं है। इसके तहत भारत का शासन व्यवस्था पर महारानी का नियंत्रण हो गया और इसे भारत के राज्य सचिव पद को समाप्त कर दिया गया 1858 में, नहीं तो इसको वायसराय उस टाइम आ चुका था ना, तो ऑप्शन इसमें जो है बी, ये हो जाएगा आपका गलत। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत एक नए भारत सचिव का सृजन किया गया था, समाप्त नहीं किया गया था, इसको गलत कर देंगे तो ये हो जाएगा सही। बाकी देख लीजिए, गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय हो गया था और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था। 110 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी, तो यह लिया गया था कनाडा के संविधान से। 111 नंबर क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार करते समय संविधान के कितने अनुच्छेद प्रभावी हो गए थे, तो ये हो गए थे 16। 112 है, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। इसने केंद्र में दैत्य शासन व्यवस्था समाप्त कर दी थी, इसने प्रांतों में दैत्य शासन प्रणाली का आरंभ किया था, इसके द्वारा 11 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा, चुनाव करें, बताइए कौन सा कथन इसमें सही होगा, उपयुक्त में से कोई कथन सही नहीं होगा, क्योंकि देखिए क्या हुआ था कि उपयुक्त में से कोई कथन सही नहीं है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था एवं केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ की थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 6 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था, राज्यों में बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत एवं असम शामिल है, इन राज्यों में विधानसभा एवं विधान परिषद की स्थापना की गई थी। 113 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था,
कौन नहीं था इसमें, तो एन गोपाल स्वामी थे, अल्लादी कृष्णा अय्यर थे, स्वामी अय्यर, के एम मुंशी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान 1833 के चार्टर्ड अधिनियम में किए गए थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को बंद कर उसे विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया गया, सिविल सेवकों की भर्ती चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का व्यवस्था आरंभ किया, और कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को कर दिया। तो ये देखिए इसमें केवल एक कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल ए। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंद किया गया था, विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय के रूप में बदल दिया गया था, और सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा किया गया था। कंपनी के राजनीतिक वाणिज्यिक कार्यों का पृथककरण 1784 के पिट इंडिया एक्ट द्वारा किया गया था, इसलिए कथन केवल इसमें एक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं, संविधान सभा की गठित समितियों में समिति एवं उनकी अध्यक्ष के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? प्रांतीय संविधान समिति जेबी कृपलानी, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सर्वोच्च न्यायालय की तदर्थ समिति एस वरदाचारी। कौन सा कथन इसमें गलत होगा? तो ये हो जाएगा आपका जेबी कृपलानी गलत है, तो ऑप्शन नंबर एक कर देंगे सही। तो प्रांतीय संविधान समिति कौन देख रहा था? सरदार पटेल देख रहे थे, संघ समिति जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे, और संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे, संघीय संविधान समिति और प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर, राज्य संविधान समिति राज्यों से समझौता करने वाली समिति जवाहरलाल नेहरू का था, और संचालन समिति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और राष्ट्रीय ध्वज भी देख रहे थे, तदर्थ समिति वो राजेंद्र प्रसाद ही, और सर्वोच्च न्यायालय का तो ये एस वदाचारी है ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से यह किसका कथन था? उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है, तो यह कहे थे आपके सुभाष कश्यप ने। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधान को हितैषी निरंकुशवाद का नाम दिया गया? तो यह दिया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया था? तो यह किया गया था चार्टर्ड एक्ट 1833 का। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संविधान की प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत है एवं उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकती है। दूसरा है, संविधान की प्रस्तावना न्यायोचित है एवं इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। कौन सा कथन सही होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई नहीं, दोनों गलत कथन गलत है। तो देखिए संविधान की प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। प्रस्तावना गैर न्यायिक है अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 120 है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के विपरीत है? संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत, शक्तियों के पृथककरण का सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत, या उपरोक्त सभी? तो हो जाएगा आपका ये ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता के विरुद्ध है? आपातकाल का प्रावधान, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, 122 में कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई है? समवर्ती सूची का प्रावधान, अपशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कोई नहीं लिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 124 नंबर, 123 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रस्तावना में कोई भी संशोधन केवल अनुच्छेद 368 के अधीन हो सकता है, और दूसरा है, प्रस्तावना को अब केवल एक बार संशोधित किया गया है। कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो इसमें भी हो जाएगा आपका न तो डी और न न मतलब कोई नहीं, न एक न ही दो, क्यों? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सभा सभा जो है 22 जनवरी 1947 को पारित उद्देश्य प्रस्ताव आधारित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति न्यायोचित नहीं है। प्रस्तावना में कोई भी संशोधन केवल अनुच्छेद 368 के अधीन हो सकता है। प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित कर समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं,
कह रहा है कि विधान परिषद के विषय में कौन सा कथन सत्य है। इसकी स्थापना या उन्मूलन का अधिकार 169 के अंतर्गत संसद को है। विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक नहीं होगी। इसके 1/12 सदस्यों का चुनाव कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। कौन सा कथन सही होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3 सही है, दूसरा कथन गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किए सकते हैं? अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव? तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2, तो अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 126 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए मंत्रिमंडल होगी? तो ये 74 है, ऑप्शन नंबर डी 74 है। प्रधानमंत्री के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर यह पद धारण करता है, और सी है वो बहुमत दल का नेता होता है या ऊपरी सभी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी सभी। क्वेश्चन नंबर 128 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक होता है? कितने का होता है बताइए? तो ये हो जाता है 1/4। देखिए उसमें सिर्फ 1/4 ही नहीं होता है, देखिए क्या होता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन प्रारंभ किए जा सकते हैं, 1/4 चाहिए, लेकिन 14 दिन का नोटिस पूर्व चाहिए और उसके बाद दोनों सदनों का जो सदन लगाया उसके दूसरे सदन का चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए, ठीक है, उसके बाद ही प्रस्ताव पारित हो सकता है। एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता पद का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया 165 में, और क्वेश्चन नंबर 130 है, विधान परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह भारत के सभी राज्यों में है और इसकी सभापति का चुनाव राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तीसरा है विधान परिषद में चुने जाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। चौथा है राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह है आपका तीनों कथन, चारों कथन गलत हो जाएंगे। तो इसमें क्या है कि वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है, 6 राज्यों में विधान परिषद है, और विधान परिषद के सभापति विधान परिषद के सदस्यों को सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है, 1/6 न कि 1/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 है, राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को रोकने की राज्य विधान परिषद के पास अधिकतम समय सीमा होती है, कितना होती है? तो यह होती है 4 माह की। 132 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया है 108। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? साक्षी के रूप में उपस्थिति स्वतंत्रता, संसद के आंतरिक विषयों का संचालन का अधिकार, चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेष अधिकार। कौन सा कथन सही होगा? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साक्षी के रूप में उपस्थिति स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संसद के सत्रों में कौन शामिल नहीं है? बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र? ये हो जाएगा आपका ग्रीष्मकालीन सत्र, बाकी तीनों है। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मंत्रिपरिषद एक निश्चित कार्यकाल होता है, और दूसरा है मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तीसरा है मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, चौथा है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताना है। तो देखिए इसमें पहला कथन और तीसरा कथन सत्य नहीं है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देख लीजिए क्यों सत्य नहीं है, तो मंत्रिपरिषद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, वह तब तक अस्तित्व बनी रहती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो,
मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा और विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अब 136। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल के सृजन के लिए अधिकृत है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या प्रशासक? तो ये हो जाएंगे आपके संसद। ठीक है, तो संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संघ शासित प्रदेशों में अपनी शक्ति का प्रयोग करके विधानमंडल की स्थापना कर सकता है। वर्तमान में दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर राज्य के, अब जो जम्मू कश्मीर अब तो क्या बन चुका है, यूटी बन चुका है, विधानमंडल का प्रधान किया गया है केंद्र शासित प्रदेश के पास विधान परिषद उच्च यानी कि उच्च सदन नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 देखिए। राज्य के मुख्यमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? वह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, राज्य के सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य मुख्यमंत्री के नाम से होते हैं, मुख्यमंत्री के नहीं राज्यपाल के नाम से होते हैं, वह केवल विधानसभा का सदस्य हो सकता है? क्यों भाई, परिषद का नहीं हो सकता है? ये भी गलत है। वह मंत्रियों का चयन अपने विवेक से करता है, वह मंत्रियों का चयन अपने विवेक से करता है, तो ये कथन तो सही है। ऑप्शन नंबर डी, वह मंत्रियों का चयन करता है अपने विवेक से करता है। राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में बात हो रहा था तो ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 देखिए। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? वह अपने राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा छोड़ देता है, कोई निर्दलीय सदस्य के रूप में निर्वाचन के बाद किसी दल में शामिल हो जाता है, और तीसरा है वह अपनी राजनीतिक पार्टी के द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत मतदान करता है। तो दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, यानी कि तीनों कथन सही हो जाएंगे। तो इसमें है कि दिए गए तीनों परिस्थितियों में किसी भी संसद की सदस्यता को निरस्त किया जा सकता है। यह प्रावधान वर्ष 1985 में दल बदल कानून के तहत 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से लाए गए थे। कब लाया गया था? 52वां संविधान संशोधन। और इसी संशोधन के माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके माध्यम से दल बदल को रोकने का प्रावधान भी किया गया, लेकिन उल्लेखनीय है कि दल बदल के आधार पर निरर्थता संबंधी प्रश्नों का भी निश्चयता स्थिति सदन के सभापति अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 139। कह रहे हैं कि संसद के किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाए जाने वाला प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण या स्थगन प्रस्ताव। तो ये हो जाएगा आपका कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कटौती प्रस्ताव। ठीक है, तो कोई संसद सदस्य कटौती प्रस्ताव लाकर वाद विवाद समाप्त करने का प्रयास करता है, यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो वाद विवाद को रोककर मतदान की प्रक्रिया शुरू की जाती है। सामान्यतः चार प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं, साधारण, घटकों में कटौती, कंगारू कटौती और गिलोटिन कटौती। इस कटौती के बारे में पढ़ लीजिए आप लोग, क्या पता इसी में से क्वेश्चन पूछ दे। चलिए क्वेश्चन में हम लास्ट देखते हैं 144। सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्य और लोकसभा में सीटी आवंटित की। राजस्थान में कितनी सीटें हैं? तो राजस्थान में हो गए 25, ये कथन सही है। पंजाब में कितनी सीटें हैं? पंजाब में 13 है, यहाँ पे 12 दिया है, बताइए। तो ये कथन गलत हो गया, तो ये हो जाएगा सही। गोवा में 2 है, बिहार में 40 है। चलिए अब यूपी का कर रहे हैं, तो यूपी में बताइए कितना है। यूपी में लोकसभा सीटें कितनी है? 80 है। तो आप बताइएगा आपकी राज्यसभा सीटें कितनी है? ये तो लोकसभा कहोगे ना, राज्यसभा कितनी है। यूपी में विधानसभा सीटें कितनी है, लोकसभा कितनी है, विधान और राज्यसभा कितनी सीटें, याद कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार ये हम लोग समाप्त करते हैं, टेस्ट नंबर 5 था आज का। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।